हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी दम आलू। बस उस पैराडाइज में आज कुछ स्पेशल कश्मीरी डिश हो जाए। सो कश्मीरी दम आलू के लिए लिए हैं हमने बॉईल किए हुए 10 से 12 आलू। साबुत बॉईल किए गए हैं, बॉइलिंग में ही इसमें नमक डाल दिया गया था थोड़ा सा, और फिर छिलके उतार के हमने ये राउंड राउंड ही रखे हैं। हींग थोड़ी सी ये मैंने पानी में भिगो के रखी थी, ये साबुत हींग है। नॉर्मल अपने को जो पाउडर हींग मिलती है ये वो हींग नहीं है, दिस इज प्रॉपर कश्मीरी हींग, ठीक है। और हमने लिए हैं लौंग, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, सौंफ पाउडर, नमक। ये हम आज सारे इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। ये जो दमालू है, कश्मीरी दमालू, इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि इसमें प्याज टमाटर नहीं पड़ता है। ऑथेंटिक कश्मीरी दमालू में कभी भी प्याज और टमाटर से उसकी ग्रेवी भी नहीं बनाई जाती, ना ही वो पड़ता है। यूजुअली आप जो रेस्टोरेंट्स में दमालू खाने जाएंगे वो जो रहते हैं उनकी ग्रेवी जो है थोड़े कभी टमाटर से बनाई जाती है, कभी जो है प्याज को ग्राइंड करके बनाई जाती है। बट मैं आपको दिखाती हूँ आज प्रॉपर कश्मीरी दम आलू, और जिस जो खा के आपको लगेगा और जब आप रेसिपी देखेंगे करके आपको समझ में आएगा कि ये कैसे इसकी ग्रेवी इतनी ऑथेंटिक क्यों होती है। ये हमने ले लिया कढ़ाई में तेल, गैस ऑन हो गई है। आगे एक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है दम आलू को टूथपिक से छेद करना। बिकॉज छेद करने से क्या होते हैं, इसका जो तेल है एकदम अंदर चला जाता है, और जो मसाला भी है, हम बाद में इसको मसाले में डालेंगे आलू को फ्राई करके, वो भी एकदम मसाला जो है अंदर तक जाएगा। यही बात है छेद करते करते इसको फ्राई करने का। ये देखिए हमारे आलू जो है वो फ्राई हो रहे हैं धीरे धीरे। आलू आपको मीडियम साइज के लेने हैं, ज्यादा बड़े नहीं ज्यादा छोटे भी, ठीक है ना। वही छेद करके हमने बीच में छेद छेद करके काफी सारे छेद करके फिर हम लोगों ने इसमें आलू फ्राई करने को डाले। अब हमको वेट करना है, आंच मैंने थोड़ी मीडियम रखी है, न ज्यादा तेज है गैस न ज्यादा कम है। सो वेट करें जब तक ये पूरे डार्क ब्राउन फ्राई हो जाए, पूरे क्रिस्पी फ्राई होने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो दम आलू हैं थोड़े डार्क ब्राउन हो रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए ये डार्क डार्क ब्राउन हो रहे हैं, पूरे डार्क ब्राउन करने हैं ये, ठीक है। इससे पहले निकालने नहीं है, एकदम क्रिस्पी डार्क ब्राउन हो जाएंगे तभी निकालते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कितने डार्क ब्राउन हो गए हैं, और अब हम एक स्लॉट ऑफ दम आलू जो है फ्राई करके निकाल रहे हैं। ये देखिए जो कलर आया ना, जब ये ग्रेवी में डालने के बाद जो इसका फिर मजा आएगा ना, वो फिर मैं आपको बताऊंगी क्यों है ये इतने रेड रेड और एकदम ब्राउनिश। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जले हुए, बढ़िया जले हुए नहीं है, उतने जितने ब्राउन उतने दम आलू अच्छे। ये देखिए अभी हम इनको छेद कर रहे हैं, छेद करके फिर वही प्रोसेस है कि पूरे तरीके से सब जगह से जो है इसके हम छेद करेंगे, एंड हम डाल रहे हैं ऑयल। घबराना नहीं है, ऑयल में आलू डालने के बाद छेदे नहीं, यूजुअली बैंगन वैंगन होते हैं तो छीके पड़ जाती है। फ्रेंड्स तो हमारे आलू हो गए हैं, देखिए पूरे डार्क ब्राउन कलर के फ्राई हुए हैं सभी। ये सभी ऐसे डार्क ब्राउन फ्राई हो जाने चाहिए, एक्सेस ऑयल जो है हमने वो निकाल दिया है, ठीक है। सो गैस मैंने बंद कर दी थी 2 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा ऑयल जो है कूल डाउन हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारा तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची है, वो इस ऑयल में डाल देते हैं, ठीक है।
और डाल देते हैं, ये थोड़ा भुन रहा है, गैस मैंने अभी बंद नहीं रखा क्योंकि ऑयल गर्म है, नहीं तो वो जल जाएगा। ठीक है, अभी हम गैस थोड़ी धीमी आंच पे कर देते हैं। इसमें डालेंगे अब नमक 1.5 चम्मच, और फिर आएगा हमारा हल्दी 1 चम्मच, ये मसाले वाला जो चम्मच है वो वाला। फिर आएगा हमारा सौंफ पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 4 4.5 चम्मच। ठीक है, ये मसाले के डब्बे के चम्मच है। एंड थोड़ी सी सॉल्ट पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर जिसको हम बोलते हैं, एंड प्लस ये गई इसमें, इसको मिक्स कर दें। तेल में देखो भुन रहे हैं, ये गया हमारा घी, ये आ गया हमारा घी। अब हम इसमें डाल देते हैं धीरे धीरे पानी, ये मसालों की खुशबू आती रहेगी। पानी डाल दीजिए ठीक है, और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं करीब आधा जग, और इसको फुल कर दे गैस को। अब हम धीरे धीरे इसमें अपने दम आलू डालेंगे जो हमने फ्राई किए हैं। ये जो दम आलू हमने फ्राई किए हैं ये मैं डाल देती हूँ, एक साथ इसलिए भी डालती हूँ वो सारी छींटे नहीं आ जाती हैं पूरी ग्रेवी। ये देखिए धीरे धीरे अब इनको बॉईल होने देंगे, इनको डाल देती हूँ सेकेंड, और ये लास्ट वाला। अब इनको मीडियम आंच पे 20 मिनट के लिए पकने दें, ढक्कन दे के। 20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे दम आलू, पूरा रस उसका कम हो गया है, रस थोड़ा तिक तिक ही होना चाहिए इसका ग्रेवी। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो छेद किए थे हमने, क्या आप देख रहे हैं, अंदर तक जो है दम आलू में रस चला गया है। गैस कर लीजिए बंद, ठीक है। ये देखिए ये पूरा अंदर तक दम आलू का ये रेड रेड दिख रहा है, आलू आपको व्हाइट नहीं दिख रहा है। सो ये बन गए हमारे दम आलू। एक और चीज मैं इसमें आपको लास्ट चीज है, सिंस हमारे दम आलू अभी रेडी हो चुके हैं, अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताती हूँ। बहुत लोग इसमें दही भी ऐड करते हैं थोड़ी सी, बट मैंने नहीं की है बिकॉज आई डोंट प्रेफर कि मैं दही ऐड करूँ उसमें, मुझे वो ऐसे ही पसंद है दम आलू। तो अब आपको पता चला होगा कि दम आलू क्यों इतने रेड करने हैं, क्यों उसमें छेद करने हैं, और क्यों उसको इतना टाइम पे सिम में बॉईल करने को रखना है करके। आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताएं लिख के कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप खाएं, आप खिलाएं और एंजॉय कीजिए। बाय।